हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज बनाएंगे छोले की सब्जी, वो भी मेरे तरीके से, जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। तो इसके लिए हमने रात में ही छोले को भिगो दिया था। ये छोटे दाने वाले छोले हैं, करीब 8 घंटे तक ये भीगा रहा। पानी में हमने 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाला था, आप चाहे तो नॉर्मल विनेगर भी डाल सकते हैं। और अब सुबह 3 से 4 बार इसे धोया है। फाइनली इसे डालते हैं कुकर में और साथ में थोड़ा नमक, नमक थोड़ा ही डाला है अभी, थोड़ा पानी डाला है। अच्छे से हिला लेते हैं, हिला करके ढक्कन को ढक करके गैस पर रख देंगे। करीब 6 से 7 सीटी आने में इस कुकर में जल्दी पक जाता है। तो हमने इसे करीब 5 से 6 मिनट टाइम देख करके ही रखना है। तो पक चुका है और ठंडा भी हो चुका है। खोल करके चेक कर लेते हैं कि हमने जिस तरह से इसे रखना है उस तरह से है कि नहीं। चलिए दाने को दबा करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से अभी थोड़ा टाइट है, यानी 80% पक चुका है। और अब आगे का प्रोसेस पैन में करेंगे। एक खुले पैन में हमने सरसों का तेल लिया है। छोले में तेल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तेल गर्म होने पे 2 बड़े प्याज को हमने छोटे टुकड़ों में काटा है, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काटा है और डाल दिया है। और साथ में 2 तेज पत्ता, इसे चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और जब हाफ कुक हो जाए तो डालेंगे मसाले। मसाले जिसे हमने मिक्सी में पीसा है वो है अदरक लहसुन और गरम मसाले। गरम मसालों में हमने बड़ी इलायची का बीज, दालचीनी और लौंग डाला है। मसाले डाल करके करीब 3 से 4 मिनट भूनना है। थोड़ा नमक भी डाल दिया अभी, 2 मिनट और भून लेते हैं। फिर ऐड करेंगे सूखे मसाले। मसालों की मिकदार आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हमने डाला है धनिया, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, टमाटर, 2 मिड साइज के टमाटर छोटे टुकड़ों में काट करके। और अब इन सभी मसालों को चलाते हुए भूनना है मीडियम फ्लेम में। करीब आप 5 से 6 मिनट तक भूनें ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। और जब मसाले अच्छे से भून जाएं तो डाल देंगे उबले हुए छोले को। अच्छे से मिला लेते हैं चारों तरफ से। अभी इसमें पानी डालना है, पानी को गर्म करके ही डालना है। तो चलिए पानी मिला देते हैं और फिर से अच्छे से चारों तरफ से मिला लेते हैं और ढक करके इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट तक मीडियम और मीडियम टू लो फ्लेम में। और इस दौरान आप दूसरा काम कर सकते हैं। तो 25 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, खोल करके चेक कर लेते हैं। पानी थोड़ा सूख कर कम हो चुका है, काफ़ी हद तक पक चुका है। और अब डालते हैं 1 टीस्पून भर करके आमचूर पाउडर, मिला देते हैं। और अब तैयार करेंगे एक बघार जो स्पेशल होगा इस छोले के लिए। बघार वाले पैन में लिया है सरसों तेल, गर्म हो जाने पे डाला है जीरा और लाल सूखी मिर्चें। बिल्कुल लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि बघार को अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी चीज़ का स्वादिष्ट होना बघार से ही। तो जब तैयार हो जाए बघार, आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और करीब 15 से 20 सेकंड बाद डालेंगे कसूरी मेथी। और इस बघार को आप डालते हैं छोले के ऊपर, मिला लेते हैं अच्छे तरीके से
चारों तरफ अच्छे से मिलाना है। और इन बघार के साथ छोले को और भी पकाएंगे ताकि जितने भी मसाले हैं सभी अंदर अच्छे तरह से रच बस जाएं। थोड़ा काला नमक डाला है, साथ में डालते हैं थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, गर्म पानी। चलिए फिर से हिला लेते हैं और ढक्कन को ढक करके फिर से इसे पकाएंगे। करीब 12-15 मिनट पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम में, यानी कि दम पर। तो 15 मिनट तक हमने छोड़ दिया था और अब खोल करके चेक करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू। चलिए चारों तरफ से चला लेते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। छोला पकने के दौरान ही थोड़ा मैश हो चुका है जिससे इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अलग से इसे मैश करना नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, हमने अब डिश आउट कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर जो भी चाहे डाल करके खा सकते हैं। हमने धनिया पत्ता और नींबू रखा है, आप चाहे तो पापड़ी डाल सकते हैं, सेव डाल सकते हैं, कटी प्याज डाल सकते हैं। इसे आप पराठा, पूड़ी, रोटी आदि के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ को फुल इंजॉय कीजिए।